भारत जो अपने इतिहास के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ भारत का इतिहास पन्नों में सिमट कर रह गया। वैसे तो भारत का इतिहास इतना बड़ा है जिसकी हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो अचानक भारत के नक्शे से गायब हो गया। एक ऐसी सभ्यता जिसने आज से लगभग 4600 साल पहले जिंदगी जीने का एक एडवांस तरीका ढूंढ लिया था, जिनकी टेक्नोलॉजी उस समय अमेरिका और यूरोप से भी कहीं आगे थी। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख और सबसे विकसित शहर मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। मोहनजोदाड़ो के लोगों ने 4600 साल पहले जिंदगी जीने और ऐसो आराम की हर चीज़ों को खोल लिया था। इतने विकसित होने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता अचानक से गायब हो गया? मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और इस प्राचीन सभ्यता की वजह से पाकिस्तान को एक नेशनल आइकॉन भी माना जाता है। मोहनजोदाड़ो की खोज आज से लगभग 100 साल पहले किया गया था, सन 1856 में, जब वहाँ एक अंग्रेज इंजीनियर रेलवे ट्रैक बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था। रिसर्च के दौरान उस इंजीनियर को कुछ ईंटें मिले जो दिखने में बिल्कुल आज के जैसे और उनसे मजबूत थे। इसके बाद इंजीनियर ने वहाँ पर बसे गाँव वालों से पूछताछ किया, जिसके बाद लोगों ने उसे बताया कि यहाँ के बने सभी घर इन्हीं ईंटों से बने हुए हैं जो उन्हें खुदाई के वक्त यहाँ से मिलते हैं। जिसके बाद इंजीनियर समझ गया कि ये ईंटें कोई मामूली ईंटें नहीं हैं। जिसके बाद 1842 में जब चार्ल्स मेसन ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज की, जिसके बाद 1921 में दयाराम सहानी ने हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक रूप से खोज की, जिसके बाद कारीगरों ने वहां पर सालों तक खुदाई करके जमीन के नीचे बसे मोहनजोदाड़ो शहर को निकाल लिया, जिसके बाद लोग मोहनजोदाड़ो शहर को देखकर अचंभित हो गए क्योंकि वहां की चीज़ों को ऐसे तरह से बनाया गया था जो अपने आप में एक रहस्य था, क्योंकि वैसे स्ट्रक्चर आज के ज़माने में भी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ज़रा सोचिए 4600 साल पहले मोहनजोदाड़ो के लोग कितने एडवांस थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खुदाई के दौरान वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो कि 3-3 मंजिलों के बने हुए थे, और जिन मटेरियल से इनका निर्माण हुआ था वह वाटरप्रूफ थे। खुदाई के दौरान वहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ और पूरे शहर में केवल एक शिवलिंग मिला जो कि एक्सपर्ट के अनुसार 5000 साल पुराने थे। इन सब चीज़ों को देखकर लोग मोहनजोदाड़ो के प्रति और उत्साहित हो गए, और मिट्टी के नीचे दबे इस रहस्य को जानने के लिए लोगों ने वहाँ पर खुदाई चालू रखा। लेकिन कुछ दिनों बाद खुदाई को बंद कर दिया क्योंकि इससे प्रकृति की चीज़ों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। लेकिन जहाँ तक इस पर रिसर्च किया जा चुका है, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के पहले नाले का निर्माण यहीं से हुआ था, और मोहनजोदाड़ो के लोग उस समय इतने एडवांस हुआ करते थे कि लोगों को गेहूं और चावल की खेती करना अच्छे से आता था, और मोहनजोदाड़ो के लोगों ने पालतू जानवरों को भी पाला करते थे और उनका उपयोग वह खेती के लिए किया करते थे। लेकिन क्या आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है? खुदाई के दौरान पूरे शहर में 700 कुएं मिले, और वहाँ पर 900 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल भी मिला जिसे द ग्रेट बाथ का नाम दिया गया। पूल को ऐसे तरीके से बनाया गया था कि सिंधु नदी का पानी इसमें भरा जा सके, और जिन लिपि का इस्तेमाल मोहनजोदाड़ो के लोग किया करते थे उन लिपि को आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए, और जिस दिन वैज्ञानिक ने इस लिपि को समझ लिया उस दिन वैज्ञानिक मोहनजोदाड़ो को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकेंगे। लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ। रिसर्च के दौरान वहाँ पर खेलकूद और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मिले जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग खेलकूद और संगीत को भी काफ़ी पसंद किया करते थे। खुदाई के दौरान वहाँ पर बहुत से ऐसे कंकाल भी मिले जिन पर बाद में रिसर्च से पता चला कि उनमें से बहुत से कंकालों के दांत नकली थे। इसका मतलब 4600 साल पहले मोहनजोदाड़ो में डॉक्टर भी हुआ करते थे। आखिर इतना एडवांस शहर होने के बावजूद भी आखिर क्या हुआ कि मोहनजोदाड़ो जमीन में दफन हो गया? एक्सपर्ट का मानना है कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता के खत्म होने का वजह बना। लेकिन मोहनजोदाड़ो के साथ आखिरकार क्या हुआ था, इसका सच अभी तक किसी को पता नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।